माहौल खराब करने वालों पर प्रशासन करेगी सख्त कार्रवाई। किसी भी प्रकार का प्रदर्शन का नहीं मिलेगा अनुमति। सोशल मीडिया के पोस्ट का चल रहा है जांच, दोषियों पर होगी उचित कार्रवाई। अल शिफा नर्सिंग होम, डॉक्टर नाजिश अफ्ताब MBBS और डॉक्टर शाहिना खातून द्वारा सभी तरह के स्त्री एवं प्रसूति रोगों का इलाज किया जा रहा है और प्रत्येक सोमवार को निशुल्क परामर्श, नॉर्मल और ऑपरेशन से डिलीवरी की विशेष सुविधा। और पता है डॉक्टर इमामुद्दीन हैदर के पास, उत्तर तरवारा रोड बदारिया। नमस्कार, मैं मोहम्मद फारूक और आप देख रहे हैं न्यूज 44 बिहार। सिवान जिला में भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा और दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जिंदल के द्वारा मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी का मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग दोनों नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन करने के लिए प्रशासन से अनुमति मांग रहे हैं। वहीं हिंदू समुदाय के धार्मिक संगठनों के द्वारा नूपुर शर्मा के समर्थन में प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी जा रही है। शुक्रवार को बड़हरिया में नूपुर शर्मा के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद से जिला प्रशासन हरकत में आई और बड़हरिया के दोनों समुदाय के लोगों के साथ आज शांति समिति की बैठक की। बैठक में SDM राम बाबू बैठा और SDPO जितेंद्र कुमार पांडे भी उपस्थित रहे। SDM राम बाबू बैठा ने कहा कि किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट लिखने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जितेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि किसी भी प्रकार के प्रदर्शन का अनुमति नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे माहौल खराब होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी।